अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर आई थिंक 9 है ये, जिसमें हम पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, उनके नेम क्या हैं, और उनमें कितने कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और उनके एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होते हैं। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पीरियड्स। तो यहां पर मैंने एक बहुत खूबसूरत सी फ्लो शीट आपके सामने ड्रॉ कर रखी है, आप यहां से समझें ओके, और इसको फिर थ्योरी की फॉर्म में लिखेंगे ओके। देखें बेटा, फर्स्ट पीरियड की बात करें, पीरियड तो पता है ना, मैंने ऊपर डेफिनेशन लिख दिया, हॉरिजेंटल रोज इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड्स। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड्स ओके। 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो अगर फर्स्ट पीरियड की बात करें, फर्स्ट पीरियड को बेटा हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं ओके, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 2 पे जाके एंड हो जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम ओके। ये आपके पास फर्स्ट पीरियड है। अच्छा, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड बेटा इनको हम नॉर्मल पीरियड कहते हैं, ना ये बहुत ज्यादा शॉर्ट है ना ये बहुत ज्यादा लॉन्ग है ओके, क्योंकि इनपे के पास सिर्फ 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 3 से 10 तक जो कि सेकेंड पीरियड है, और 11 से 18 तक जो कि आपका थर्ड पीरियड है ओके। अगर सेकेंड पीरियड की बात करें तो इनमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, बस नोबल गैस पर एंड हो गई ओके। ये आपका सेकेंड पीरियड था। थर्ड पीरियड की बात करें तो एटॉमिक नंबर 11 से 18 तक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, तो ये 8 एलिमेंट्स आपके पास थर्ड पीरियड में है, और सेकंड एंड थर्ड को हम नॉर्मल पीरियड ही बोलते हैं। इनके एटॉमिक नंबर रेंजेस आपने याद करनी है, एमसीक्यूज के लिए आपसे पूछा जा सकता है ओके। तो ये हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड पे ओके। बेटा इनको हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं क्योंकि इनके पास 18 एलिमेंट्स हैं, ये जरा नॉर्मल से बढ़ गया ओके, तो इसलिए इसको लंबा पीरियड बोला जाता है, लॉन्ग पीरियड है, 18 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है चौथा भी और पांचवा पीरियड भी। अच्छा, जो फोर्थ पीरियड है बेटा उसमें एटॉमिक नंबर 19 से 36 तक ओके, पोटाशियम से स्टार्ट होगा और क्रिप्टॉन तक जाएगा, और जो फिफ्थ आपके पास पीरियड है ये एटॉमिक नंबर 37 से 54 तक जाएगा ओके, रुबिडियम से आई थिंक ये जा रहा है 54 किसका है, जेनॉन का है ओके। तो ये आपके पास फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड है। अच्छा, इनको लॉन्ग पीरियड कहते हैं, 18 एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर आपको मैंने मेंशन कर दिए। नेक्स्ट अगर 6th एंड 7th पीरियड की बात करें तो बेटा इसको वेरी लॉन्ग पीरियड बोला जाता है, ये चीज समझने वाली है। देखें 6th और 7th पीरियड में बेटा 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों में 32 एलिमेंट हैं। अब आप कहेंगे कि सर क्या आपको 7th पीरियड ज्यादा प्यारा लगता है जो इस पर स्टेरिक कर दिया। बेटा इस पर स्टेरिक इसलिए किया है क्योंकि ये इनकम्प्लीट पीरियड है ओके। मतलब कहने का कि अगर अब कोई आपके जैसा कोई जहीन तालबे इलम उठे, साइंटिस्ट उठे, और वो कोई नया एलिमेंट डिस्कवर कर दे तो वो 7th पीरियड में आएगा ओके तो ये भी इनकम्प्लीट है इसमें 32 ही एलिमेंट, तो आपके पास 32 एलिमेंट हैं। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 6th पीरियड में बेटा एटॉमिक नंबर 55 से 86 तक सीजियम से स्टार्ट होकर रेडॉन तक जाता है, और 7th पीरियड जो है आपका ये 87 से स्टार्ट होता है एटॉमिक नंबर, और 118 तक जाता है जिसके ऊपर स्टेरिक कर दिया, मतलब इससे आगे कंटिन्यू होगा ये पीरियड ओके, तो ये इनकम्प्लीट पीरियड है। क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले सकते हैं, और इसको समझ के, और जब पेपर में आपने लिखना है तब आप थ्योरी की फॉर्म में लिखेंगे ठीक है। आपकी बुक में ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पीरियड, और नेक्स्ट आगे ग्रुप भी आएगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे ओके। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि बेटा आप अगर देखें ना अपनी बुक पर,
तो पीरियड नंबर सिक्स और सेवन उसमें कुछ यूं होगा आपके पास। यहां पर देखें स्पेस एम्प्टी है, मैं इसको थोड़ा सा रेज कर दूं। ओके, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, बुक पे उतारना चाहें तो उतार दें। मैं ये पहली दो रेज आपसे रेज करने वाला हूं। ओके, टाइम इज ओवर, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, यहां पर देखें फर्स्ट आपका पीरियड होगा, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। बेटा सेवन पीरियड, सिक्स पीरियड आ गया आपका, देखिए यहां सीजियम, ओके, फ्रांसियम, ओके। अब यहां इसका एटॉमिक नंबर है आपके पास 55, इसका एटॉमिक नंबर है 87। जरा गौर से समझिएगा, सीजियम के आगे क्या है आपके पास? बैरियम, और फ्रांसियम के आगे रेडियम। पीरियोडिक टेबल देखते रहे, ओके, पीरियोडिक टेबल अपने सामने खोल के रखें। बैरियम इसका एटॉमिक नंबर है 56, इसका एटॉमिक नंबर है 88। अब समझे जरा बेटा, इसके आगे एक आपको यू बॉक्स और उसके अंदर स्टेरिक किया नजर आएगा। इसके आगे एक बॉक्स खाली है, उसके अंदर दो स्टेरिक किया नजर आएंगे, ओके, और फिर आगे यू कंटिन्यू आपका पीरियड चलता है। अब देखें, अब या इसका क्या मतलब है? अब बेटा जो 57 यहां पर एटॉमिक नंबर आना चाहिए और यहां पर 89 एटॉमिक नंबर आना चाहिए, वही तो आपके पास पीरियोडिक टेबल के नीचे मेंशन है। ऐसे देखें जरा, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा था, ओके, ये आपके पास यहां पर मेंशन है। यहां पर देखें, यहां पर आपको फर्स्ट मिलेगा लेंथानम, एटॉमिक नंबर 57 होना यहां पर चाहिए, यहां पर ही है, लेकिन उसको नीचे लिखा गया। क्यों लिखा गया अभी बताता हूं। यहां पर आपको एटॉमिक नंबर 89 एक्टिनियम मिलेगा, ओके, एटॉमिक नंबर 89। अब क्वेश्चन यह है कि सर लेंथानम सीरीज जो है, इसको लेंथानम सीरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सॉरी इसको लेंथानाइड सीरीज बोला जाता है, ओके, यहां पर देखें इस ये सीरीज है, इसको बोला जाता है लेंथानाइड्स, याद रखेंगे, ओके। और ये वाली जो आपके पास सीरीज है, नीचे वाली रो है, इसको बोला जाता है एक्टिनाइड्स। अब यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि इस सीरीज को हम लेंथानाइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लेंथानम से स्टार्ट होती है। और इसको हम एक्टिनाइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्टिनम से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उनके फर्स्ट मेंबर्स नेम है, लेंथानम है तो उसको लेंथानाइड्स बोल दिया, एक्टिनम है तो उसको एक्टिनाइड्स बोल दिया, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि सर इसको यहां पर क्यों नहीं रखा, मतलब यूं ही आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया, यहां से काट कर नीचे रखा गया? एक्टिनाइड्स को यहां रखने की बजाय मतलब नीचे क्यों रखा था बेटा? स्पेस प्रॉब्लम की वजह से। अब देखें, यहां पर सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट है, 32, तो देखिए 32 एलिमेंट्स लिखना कैसे पॉसिबल है? आपका पेज ही एंड हो जाएगा, ओके। तो ये हैं आपके पास सिक्स पीरियड में ही, लेकिन उसको फिर नीचे लिख दिया गया स्पेस प्रॉब्लम की वजह से। और ये 14 एलिमेंट्स, और इनकी प्रॉपर्टीज इनसे डिफरेंट देखी गई, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है इनसे, हाँ, तो इसीलिए इनको फिर नीचे रख दिया गया, ओके। ये आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ओके। वैसे ये लेंथानाइड अगर पूछ लिया जाए किस पीरियड से बिलोंग करता है, सिक्स पीरियड से। एक्टिनाइड सीरीज किस पीरियड से बिलोंग करती है? सेवन पीरियड से बिलोंग करती है, ओके। तो याद रखेंगे, स्पेस प्रॉब्लम की वजह से इनको नीचे रखा गया, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक से डिफरेंट हैं, ओके। इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स और ये आउटर ट्रांजिशन मेटल्स हैं। वो डी ब्लॉक हैं, ये एफ ब्लॉक हैं, उनका डी सबशेल कंप्लीशन में है, इनका एफ सबशेल कंप्लीशन में है। तो ये आपके पास थे पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसको हमने बहुत इजीएस्ट वे में डिस्कस किया, ओके। तो ये था आपका आज का लेक्चर। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर हर टाइम अवेलेबल हैं, क्वालिटी एजुकेशन आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे ही है ना, ओके। तो सब्सक्राइब तो बनता है प्यारे बच्चे, कर दो यार, क्या देख रहे हो मेरी तरफ, ओके। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल दी वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।